अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सड्डी वाइब्स। हेयर आई एम उस्मा मेहरीन विद अ न्यू वीडियो। सो आज की जो वीडियो है, मैंने अपने एक फ्रेंड से सजेशन लिया था कि मुझे किस वीडियो पे करना चाहिए, तो उसने मुझे एक वीडियो सजेस्ट करी। उस वीडियो का नाम है बादशाह की 7 बेटियों की कहानी, और छोटी बेटी को इसमें सज़ा मिलती है। वो सज़ा क्यों मिलती है, रीज़न आई डोंट नो, बट रीज़न जानना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं वीडियो क्या है इस वीडियो के अंदर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। मोहतरम नाजरीन, एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसकी 7 बेटियां थी मगर बेटा कोई नहीं था। वो जब खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो उसके सवाल का जवाब दे देता उसको उसका मन चाहा इनाम मिलता। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान व शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बबूला हो गया और कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेबरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसकून, मुतमईन और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा था कि जो उसने रिज्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर भी पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ शख्स एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है कि कोने में एक पानी का मशकीज़ा रखा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है और झोपड़ी की साफ़ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहजादी से पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद वापस आऊँगा। तुम यही रहो, झोपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, वहाँ से तुम घड़ा भर कर ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोपड़ी में साफ़ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा, और ख़ुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी बहुत महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल पड़ा हुआ होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं, और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ़ ही आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ़ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर कर लाना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ़ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं, उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है।
ये खबर ऐसे ही बादशाह तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक चाहत होती है कि देखो तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आएँ। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उनसे मिलती है, चेहरे पर नकाब करके उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शान और शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज़ बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से ये कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी के जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार करने पर शहजादी कह देती है कि ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहनी है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है, मैं तो सोचता था कि इसे जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा और शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी सारी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी तक 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रहना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और जो उसने हमें नेमतें अता की हैं उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइज, वीडियो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी और उस वीडियो का लेसन ये था कि कोई भी इंसान कभी भी किसी का छीन के नहीं खा सकता, किसी की से कोई चीज़ छीन नहीं सकता, जिसके नसीब में जो होगा वो होकर ही रहेगा। और मैंने अपने पेरेंट्स से एक बात सुनी है और जो शायद मैं सच में उस चीज़ पर बिलीव भी करती हूँ कि कोई किसी के हाथ से छीन सकता है पर किसी के नसीब से नहीं छीन सकता। तो अपने पे बिलीव रखो, अपने अल्लाह पे बिलीव रखो, गॉड पे बिलीव रखो, आप जिसे मानते हो उस पे बिलीव रखो। आपके साथ जो होना होगा अच्छा होगा और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा। जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।